नमस्ते, आप सभी को आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्वाद की कढ़ाई में। आज हम बनाएंगे अंडा मसाला, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अंडे को फ्राई करने के लिए हम इसमें कढ़ाई में डालेंगे तेल और इसे गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म हो गया है, इसी में हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। गैस को हमने लो ही रखा है, तेज नहीं रखा है। इसी में हम अंडे को फ्राई करेंगे। अंडे फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल कर अलग रख लेंगे। डाल देंगे हम खड़ा जीरा, जीरा चटक गया है इसी में हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का सुनहरा भूनेंगे इस तरह से चलाते हुए। प्याज सुनहरे हो गए हैं तो पिसा हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे। हमने अदरक लहसुन हरा धनिया एक हरी मिर्च इन सब का पेस्ट बनाया था, वही हमने इसमें डाला है। अब इसे हमें अच्छे से पकाना है। हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हमने जो सूखे मसाले थे उनका पेस्ट तैयार किया था उसे मिला देंगे। लाल मिर्च है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, इन सबको हम इसी में मिला देंगे। अच्छे से इसे भी भूनेंगे। स्वाद अनुसार हम लेमन मिलाएंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो इसी में हम फ्राई अंडा हम इसी में मिला देंगे। और इसे भी हम बीच वाला जो पार्ट है उसे भी मिलाएंगे इसी में। और थोड़ा सा हम इसी में पानी ऐड करेंगे।
और इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर इसे हम चेक करेंगे। 2 मिनट हो गया है, इसे हम चेक करेंगे। अब हम 1/2 चम्मच इसमें घी डालेंगे। और इसे ढक देंगे। बनकर रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, फिर इसे हम सर्व करेंगे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए।